Hello viewers, today we are going to make Dalia Khichadi. Actually, बहुत सारे हमारे जो गुजराती patients हैं, मराठी patients हैं, वो usually रात को खिचड़ी खाना पसंद करते हैं. उनको बहुत light खाना होता है, especially at night time में. और इसके वजह से वो rice खिचड़ी खाना prefer करते हैं. And आपको सबको पता है कि बहुत ज़्यादा rice is not recommended for diabetic patients. So have a choice that you can make this Dalia Khichadi. This Dalia Khichadi is full of nutrients. बहुत सारे vegetables यहाँ पे हमने use किए हैं. यहाँ पे मैंने तुअर दाल use की है. So it is rich of proteins also. And Dalia use किया है, which is rich in fiber also, and it has carbohydrate also. So this recipe is a complete meal of carbohydrate, फाइबर एंड प्रोटीन. एंड ये बहुत ही कम ऑयल में बन जाता है. इट इज़ वेरी ईजी टू डाइजेस्ट. दिस रेसिपी वी कैन यूज़ एज अ मिनी मील, एस्पेशली जो ओल्ड एज पेशेंट्स है और जिनको डेंटल प्रॉब्लम्स है, जिनका डेंटल प्रोसीजर हो गया है. हैज़ रिकमेंडेड टू ईट सेमी सॉलिड फूड और लिक्विड फूड. उनके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है. ऑल्सो जब भी हमको बुखार आ जाता है, जब हमारा मुँह कड़वा हो जाता है, उन सब चीज़ों में पोस्ट फीवर, दिस इज़ द वेरी गुड रेसिपी. इजी टू डाइजेस्ट एंड अ वेरी लाइट रेसिपी. सो आइए बनाते हैं दलिया खिचड़ी. बट उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए. सो इसके लिए हमें चाहिए, यहाँ पे मैंने दलिया लिया है, तूर दाल ली है यहाँ पे मैंने, कटा हुआ प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, जीरा, राई लिया है, वेजिटेबल्स लिए हैं, यहाँ पे मैंने ग्रीन पीस लिया है, फ्लावर, फ्रेंच बीन, टोमेटो, और यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज ऐसे लंबी लंबी काट ली है, सो दैट हम वी कैन डिफ्रेंशिएट वेदर वी आर ईटिंग फ्रेंच बीन्स और ग्रीन चिली. तो हम ग्रीन चिली को बाजू में निकाल सकते हैं, सो दैट बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना लगे हमें. देन यहाँ पे टर्मरिक पाउडर यूज़ किया है, सॉल्ट फॉर टेस्ट एंड कोरिएंडर फॉर गार्निशिंग. सो आइए बनाते हैं दलिया खिचड़ी. यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी है. आप ये खिचड़ी कुकर में भी बना सकते हैं, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई का यूज़ किया है. बहुत ही थोड़ा सा ऑयल यूज़ करूँगी, 1 टीस्पून ऑयल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी. बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना है हमें, हमें इसमें ऑयल नहीं डालना है तो भी ये रेसिपी बन सकती है. जो ऑयल फ्री रेसिपीज़ है दैट आई एम गोइंग टू शेयर इन माई सब्सिक्वेंट वीडियोज़, जिसके लिए हम एक अलग से एक सीरीज़ बनाएंगे. सो अभी हमारा ये जो तेल है वो गरम होने लगा है. राई डालूंगी मैं थोड़ा सा. जीरा, राई और जीरा अच्छे से क्रैकल हो गए हैं. अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 टीस्पून, गैस हमें कम ही रखना है. प्याज डालूंगी, टर्मरिक एंड सॉल्ट, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट. अभी मैं ये जो हमारी दलिया है इसको डाल दूंगी इसमें, एंड जो हमारी जो दाल है इसको मैं धो के डालूंगी. एंड जो मैंने ग्रीन चिली
काट के रखी थी वो डाल दूंगी, ढक के रखूंगी मैं। हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अभी आई एम एडिंग लॉट्स ऑफ वाटर सो दैट हमारे जो दलिया और जो हमने जो तुअर दाल डाली है वो अच्छे से पक जाए। यहाँ पे मैं 2 ग्लास पानी यूज करूँगी। और इस स्टेज पे अभी मैं मेरे सब सब्जियां भी डाल दूंगी। ग्रीन पीस, फ्लावर, फ्रेंच पीस, टोमेटो, हमें इसको कम आंच पे पकने देना है। हमारा जो राइट खिचड़ी है वो ऑलमोस्ट हाफ कुक हो गई है, इसको हमें और पकाना है। इसमें मैं अभी कोरिएंडर डाल दूंगी और इसको और एक 15 टू 20 मिनट्स तक कम आंच में पकने दूँ। एक ऑलमोस्ट 20 टू 25 मिनट्स हो गए हमारी खिचड़ी को, नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी। हमारी जो दाल है वो भी अच्छे से पक गई है एंड जो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए थी हमारी खिचड़ी की दैट इज़ ऑल्सो एकदम परफेक्ट। हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारी दलिया खिचड़ी इज़ रेडी, ईजी टू डाइजेस्ट एंड अ वेरी हेल्दी रेसिपी फॉर ऑल माई डायबिटिक ओल्ड पेशेंट एंड ऑफकोर्स माई यंग डायबिटिक पेशेंट्स ऑल्सो एंड द पेशेंट हु आर ऑन वेट लॉस डाइट, उनके लिए भी बहुत ही हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, न्यूट्रिशियस रेसिपीज़ थे। थैंक यू।